दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर कौन हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 सबसे अमीर क्रिकेटरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड विश्व का सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं और इस खेल में नाम सम्मान और बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। इस खेल में खिलाड़ियों को जितनी इज्जत मिलती है उससे कई ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत में लोग सबसे ज्यादा क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, जैसे कि क्रिकेट ही भारत का राष्ट्रीय खेल हो। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। यही वजह है कि प्रत्येक मैच के लिए क्रिकेटरों को लाखों रुपए की सैलरी मिलती है और बोर्ड भी हर मैच से करोड़ों रुपए कमाता है। इंटरनेशनल स्तर पर भारतीय क्रिकेटरों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अच्छी रकम भी दी जाती है। भारतीय क्रिकेटर खेल से मिलने वाले पैसों के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के प्रचार और ब्रांड के माध्यम से भी बहुत अच्छी रकम यानी करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर भारत के 10वें सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। जबकि कई लोग गंभीर को भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में देखकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है। गौतम गंभीर दिल्ली में एक आलीशान घर में रहते हैं जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 18 करोड़ रुपया है और इनकी वार्षिक कमाई लगभग 10 से 15 करोड़ रुपया है। गौतम गंभीर वर्तमान में कमेंट्री, व्यावसायिक निवेश और अपने ब्रांड के विज्ञापन से कमाते हैं। गौतम गंभीर रिबॉक, रेड बुल, हीरो, मोटोकॉर्प, क्रिक प्ले और अधिक जैसे ब्रांडों का प्रचार किया है और एक प्रचार करने का लगभग 1 से 2 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर आईपीएल टीम के केकेआर को 2 बार ट्रॉफी जिता चुके हैं, वह भी 2012 और 2014 का ट्रॉफी। गंभीर ने आईपीएल से भी बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं। दोस्तों, अगर इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति $19 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपए में 147 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारत के 9वें सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है और यह मैच में ओपनिंग के लिए आते हैं। रोहित बीसीसीआई के वार्षिक अनुबंध में A+ ग्रेड में है और उन्हें अनुबंध के माध्यम से सालाना 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। रोहित शर्मा का अपना आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के साथ एक आकर्षक अनुबंध भी है, क्योंकि उन्हें टीम की कप्तानी के लिए सालाना 15 करोड़ रुपए मिलता है। कुल मिलाकर हिटमैन ने 2008 से आईपीएल में खेलकर 146 करोड़ रुपए की कमाई की है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, इससे रोहित शर्मा को बहुत ही ज्यादा कमाई हुई है। रोहित शर्मा ड्रीम इलेवन, CAT टायर्स, एडिडास, रिलेसफ्रे जैसे बड़े ब्रांडों का प्रचार किया है। बताया जा रहा है कि रोहित अपने ब्रांड की शूटिंग के लिए प्रतिदिन 1 से 2 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। रोहित अपनी पत्नी के साथ मुंबई के वर्ली में 30 करोड़ से अधिक कीमत के अपार्टमेंट में रहते हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति $22 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो भारतीय रुपए में 160 करोड़ रुपया है। दोस्तों, नंबर 8 पर आते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अपने शांत व्यवहार के लिए जाने वाले भारत के 8वें सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान राहुल द्रविड़ की गिनती महान खिलाड़ियों में होती है। इन्होंने क्रिकेट खेलने, कमेंट्री करने, कोचिंग और ब्रांड विज्ञापन के माध्यम से अपनी कमाई की है। राहुल द्रविड़ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के संचालक प्रमुख हैं और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए हर महीने लगभग 60 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। दवाल के नाम से जाने वाले राहुल द्रविड़ ने जिलेट, रीबॉक, कैस्ट्रोल, मैक्स लाइफ जैसे ब्रांडों का समर्थन करते हैं। राहुल द्रविड़ इंदिरा नगर बेंगलोर में 4 करोड़ की हवेली में रहते हैं। ये कई लग्जरी कारों के भी मालिक हैं, जिनमें से BMW और मर्सिडीज भी शामिल हैं। अपने 16 साल के लंबे क्रिकेट कैरियर की बदौलत राहुल द्रविड़ की कुल संपत्ति लगभग 172 करोड़ रुपए है। दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना भारत के 7वें सबसे अमीर क्रिकेटर हैं और ये आईपीएल की टीम CSK के लिए खेलते थे। दोस्तों, सुरेश रैना आईपीएल टीम CSK के लिए मिडिल में खेलते थे और ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। आईपीएल में CSK यानी चेन्नई सुपर किंग के साथ उनके 10 साल के कैरियर ने उनकी कुल संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CSK के साथ 11 करोड़ वार्षिक अनुबंध और आईपीएल के पहले संस्करण के बाद वेतन में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की है। रैना अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में 18 करोड़ की हवेली में रहते हैं। सुरेश रैना अपनी पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ एक बेबी केयर ब्रांड मार्ते के भी मालिक हैं। वे इंडिया सीमेंट, जियो, निपान, फ्रूटी बूस्ट, पेप्सी और अधिक ब्रांडों के प्रचार भी करते हैं।
सुरेश रैना हर साल में ब्रांड विज्ञापन के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक कमाई कर लेते हैं। दोस्तों, अगर सुरेश रैना की कुल संपत्ति की बात करें तो इनका कुल संपत्ति $25 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में 185 करोड़ रुपया होता है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह भारत के 6वें सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। दोस्तों, युवराज सिंह एक बेहतरीन बल्लेबाज और एक बेहतरीन फील्डर हैं। ये T20 वर्ल्ड कप 2007 में 6 गेंद पर 6 छक्का मारकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिए थे। युवराज सिंह ने IPL में 6 टीमों के लिए खेला है। युवराज सिंह ने IPL में शानदार प्रदर्शन कर बहुत ही अच्छी रकम हासिल की है। युवराज सिंह ने अपनी अभिनेत्री पत्नी हेजल किच के साथ मुंबई के वर्ली में एक अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसे उन्होंने 2013 में 64 करोड़ रुपया में खरीदा था। दोस्तों, युवराज सिंह पास एक से एक लग्जरी कार है। दोस्तों, ये YBW Ventures नामक एक निवेश फर्म भी चलाते हैं। दोस्तों, अगर युवराज सिंह की कुल संपत्ति की बात करें तो इनका कुल संपत्ति $35 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में 245 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग भारत के 5वें सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। सहवाग अपने 14 साल के करियर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग वीरू के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, भारत का पूर्व ओपनर यानी वीरेंद्र सहवाग एकदम निडर होकर खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ के नवाब के रूप में भी जाना जाता है। वीरू अपने कमेंट्री, ग्रेक्स और ब्रांड विज्ञापन के माध्यम से पैसा कमाते हैं। सहवाग ब्रांड विज्ञापन के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उन्होंने MI 11 सर्कल, रीबॉक, एडिडास, हीरो होंडा, बूस्ट, सैमसंग और कई प्रमुखों ब्रांडों का प्रचार किया है। दोस्तों, अगर इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में 277 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली भारत के 4थे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। दोस्तों, इनको प्रशंसकों द्वारा दादा भी कहा जाता है। दोस्तों, सौरभ गांगुली को आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में गांगुली BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दादा यानी सौरभ गांगुली की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से MI 11 सर्कल, JSW सीमेंट, टाटा टेटली, फॉर्च्यूनर ऑयल और अन्य कंपनियों के साथ विज्ञापन करते हैं। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह एक ब्रांड के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसी वजह से भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, गांगुली कोलकाता में एक लग्जरी घर में रहते हैं, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। दोस्तों, दादा यानी सौरभ गांगुली की कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति $50 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में 365 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं रन मशीन यानी विराट कोहली। विराट कोहली भारत के 3रे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं और इनको चीकू के नाम से भी जाना जाता है। चीकू यानी विराट कोहली एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। दोस्तों, किंग कोहली का इंस्टाग्राम पे 266 मिलियन फॉलोवर हैं, जिसके वजह से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए 2.5 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। दोस्तों, विराट कोहली IPL के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली IPL टीम RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं और इनको 1 साल में 17 करोड़ रुपया मिलता है। चीकू अपने ब्रांड विज्ञापन के लिए 1 दिन में लगभग 4 करोड़ रुपया लेते हैं। गुरुग्राम में उनके घर की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जाती है, जबकि वर्ली मुंबई में उनके अपार्टमेंट की कीमत लगभग 34 करोड़ रुपया है। विराट कोहली फैशन ब्रांड रोंग और 18 के मालिक हैं। कोहली कोलगेट, मिंत्रा, बूस्ट, MPL, पुमा जैसे ब्रांडों का विज्ञापन करते हैं। दोस्तों, चीकू यानी विराट कोहली की कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति $92 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में 638 करोड़ रुपया है। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं माही के नाम से जाने वाले MS धोनी। MS धोनी भारत के 2रे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं और इनको फिनिशर भी कहा जाता है। भारत के अब तक सबसे कुशल कप्तान धोनी मैदान पर अपने शांत दिमाग के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इनकी कप्तानी में ऐसी कौन सी ट्रॉफी है जो भारत नहीं जीता है? लगभग हर ट्रॉफी भारत को जिताए हैं, जैसे ICC ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी भी शामिल है। माही सब ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान है। धोनी बूस्ट, एयरसेल, स्पार्टनर स्पोर्ट, रिबॉक और ड्रीम इलेवन जैसे ब्रांडों का विज्ञापन करते हैं और इनको ब्रांडों के विज्ञापन के लिए बहुत ही अच्छी रकम मिल जाती है। महेंद्र सिंह धोनी IPL टीम CSK यानी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं और इनको साल में 15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, धोनी ने अपनी टीम को 5 बार IPL ट्रॉफी जिता चुके हैं और इनके पास एक से एक बाइक और एक से एक कार भी है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की कुल संपत्ति की बात करें तो उनका कुल संपत्ति $111 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में 767 करोड़ रुपया है। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं।
क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने वाले सचिन को धुरंधर बल्लेबाजों में एक माना जाता है। सचिन विश्व क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन ने 2013 में बहुत ही पहले संन्यास ले लिया था और अभी भी भारत के साथ साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाने वाले क्रिकेटरों में से एक हैं। सचिन 2008 से लेकर 2013 तक मुंबई इंडियंस के साथ 38 करोड़ रुपए की कमाई की है। सचिन पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 2001 में MRF के साथ 100 करोड़ रुपए का सौदा किया था। सचिन लिटिल मास्टर, MRF टायर्स, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे ब्रांडों का प्रचार करते हैं। सचिन 2 से लेकर 3 दिनों के ब्रांड शूट के लिए लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सचिन के पास BMW X5M GTR और अन्य 10 से अधिक लग्जरी कारें हैं। दोस्तों, मास्टर ब्लास्टर की कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी कुल संपत्ति $170 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में 1090 करोड़ रुपए होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है। अब हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।